वो अक्सर लोग गाते हैं सारे गम पद नहीं सा, तो ऐसे गाते हैं सारे ग सारे गम पद नहीं सा, ऐसे गाते उनका मुंह क्योंकि ऐसे खुलता है। तो अ अब देखिए कितने प्रकार में बदल सकता है, अ सेम साउंड है, एक ही साउंड निकाल रहा हूं, होंठों को बदल कर वो साउंड बदल रहा है। तो अगर आपको अपने ए को अ बनाना है तो इसको होंठों के आकार को सुधार लीजिए। ए कैसे निकलेगा, यानी लंबा मुंह है। अब इसे सबसे पहले तो यहां की जो लंबाई है वो कम करी, है ना, जैसे ही ये देखिए दांतों के बीच की स्पेस कम हुई तो वो अ की बजाय ए बन गया, है कि नहीं। तो अगर उसे अ बनाना है तो दांतों की स्पेस बढ़ाइए, मुंह को थोड़ा सा लंबा खोलिए, लंबाई में रहेगा तो अ बना रहेगा, ऐसे चौड़ाई में खुलेगा तो ए निकलेगा। लाइव वीडियो कॉल क्लासेस, मॉर्निंग वोकल रियाज सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है संगीत धारा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सीखिए। अ उ ओ ओम, ये पांच अक्षर पे बात चल रही थी, इनके रेसिटेशन पे बात चल रही थी कि इनका रेसिटेशन प्रॉपर, इनका प्रोनंसिएशन प्रॉपर होगा, देन वील ट्राई देम ऑन हारमोनियम या सुर के साथ, पिच के साथ हम गा के देखेंगे, है ना। दो तीन बातें हैं जिनका ख्याल रखिए आप जब आप सुर लगा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सुर लगाने का या लय मैच करने का, पिच मैच करना या लय मैच करना, स्पीड मैच करना, उसका पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, है ना, वो मैंने पहले भी बताया है। और ऑब्जर्वेशन का माध्यम क्या है, कान, सुनकर आप, और सिर्फ सुनना नहीं, एनालिटिकली सुनना, उसे ध्यान देकर फिर सुनना। ऐसे सुनने को तो हम बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं हमें, लेकिन ध्यान से सुनना जिसे हम कहेंगे, सुर चल रहा है तो आंख बंद, इसीलिए हम कहते हैं आंख बंद करके सुना जाता है, क्योंकि जब आंख बंद करते हैं तो कान का जो सेंस है वो बढ़ जाता है, एनहेंस हो जाता है, है ना। वरना आंख खुली रह के भी हम सुनेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, डाइवर्ट होता है, लेकिन आंख बंद की तो कानों की सेंस पावर बढ़ गई, ठीक है। तो आंख बंद करके पहले उस सुर को सुना जाता है, उसके बाद उसमें फिर उसके साथ रिपीट किया जाता है। सबसे पहला तो ये करेंगे और वो हर बार कीजिए। अभी शुरुआती स्टेज है तो सुनना ज़्यादा पड़ेगा, है ना। शुरुआती स्टेज से मेरा ये मतलब है कि अभी अभी गाना पिच मैच करना समझ कर शुरू किया है, वरना पिच मैच तो पहले से भी करते आ रहे थे, आप गा पहले से भी रहे थे, लेकिन शुरुआती स्टेज मैंने क्यों कही, क्योंकि ध्यान देकर अब शुरू करोगे, क्योंकि अब पता चला है कि ध्यान भी देना होता है ना, इसीलिए ये शुरुआती स्टेज है कि अब ध्यान देके हमें उसे सुनना है, फिर ही हम मैच करेंगे। हर बार पांचों अक्षर जब आपके लगेंगे तो सुर चल रहा है, सुर कॉन्टिन्यूस चल रहा है। पहला जब सुना, जब आप सांस भर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, नाक से जब गहरी सांस अंदर जा रही है तो वो सुर मैच हो रहा है, सुन रहे हैं। फिर जब सांस छोड़ी जा रही है तब गाना है, और गाते समय ऐसा नहीं कि कान बंद हो जाएंगे, गाते समय दोनों जगह कान होने चाहिए, अपने सुर पर भी और उस सुर पर भी, है ना। इसीलिए गाते गाते कहते हैं कि भाई सुर को सुनते रहो, क्योंकि कई बार भटक जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है ना, वो फ्लक्चुएशन, वो अभी आपके इसमें दो एक जगह हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, दो एक जगह हुआ कि वो सुर थोड़ा सा चढ़ गया, फिर वापस नीचे भी आ गया था, खुद ब खुद नीचे भी आ गया, लेकिन हल्का बीच में चढ़ गया, तो वो चढ़ेगा नहीं, वो पिच मैच करता रहे, इसके लिए सुनते रहना जरूरी है, ठीक है। तो मालूम चलता रहेगा, सुनते रहोगे तो मालूम चलता रहेगा कि नहीं अलग जा रहा है, ठीक है, तो वो करो। अक्सर क्या होगा, अभी तो इसको हम एक ही स्पीड में कर रहे हैं, फुल ब्रेथ में कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे एक ही ब्रेथ में चारों या पांचों अक्षर बोलेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ती है ना, सुर जाने के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं, है ना। जैसे अभी बोल रहे थे हम, एक एक सांस में बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही बोलेंगे या एक ही सांस में जैसे ही बोलने लगेंगे, यानी स्ट्रोक्स जैसे ही बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है, हमारे वो स्ट्रोक के सुर बदल जाते हैं। एक सुर लगाने से दूसरे सुर लगाने के बीच में जो स्पेस होती है वही तय करता है कि अगला सुर सुर में लगेगा या बेसुरा लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि वही स्पेस है जहां आप सांस भर रहे हो, और जैसे ही सांस का कंट्रोल, इसीलिए कहते हैं सांस साधे तो सुर सधे,
सांस सधती है तो सुर सधता है, अगर सांस ज्यादा लगा दी तो सुर ऊंचा हो जाएगा, है ना। मैं अगर आपको कहता हूं हाय हाय वाला सा लगाना है, एक तो सा और एक सा, तो पंच ज्यादा लगेगा, सांस ज्यादा लगानी पड़ेगी और फेफड़ों से बाहर ज्यादा हवा छूटेगी, तब जाके वो ऊंचा वाला सा लगेगा। या सा रे गा मा पा, तो थोड़ा दम लगा, उसी एनर्जी से मैं नीचे वाले सुर नहीं लगा रहा था, नीचे वाले सुर में एनर्जी कम थी, एनर्जी यानी सांस कम थी, ठीक है। तो सांस का कंट्रोल ही है जो है, ठीक है। तो व्यायाम इसीलिए संगीतकारों को बोला जाता है करने को, व्यायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाते करो, भस्त्रिका करो, ये सारे बाबा रामदेव जी बताते हैं ना व्यायाम, ये हमारे योग में है और ये योग हमारे लिए जरूरी है क्योंकि सांस पर कंट्रोल आता है इससे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हमको कुछ करनी होगी, वो भी मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे। एक तो स्टेबिलिटी आ गई जो आपको कहा मैंने, और सुनना आ गया। तीसरी बात यह थी आपका ओं स्पष्ट नहीं था, साफ नहीं था, बाकी चार अक्षर तो मुझे साफ साफ सुनाई दिए कि आप ये वाला अक्षर बोल रही हैं, लेकिन ओ और ओ वो मिक्स हो गया साथ में, मालूम नहीं चला कि अलग अलग बोला आपने। वो अगर साथ में बोलना है ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे प्रैक्टिस करो, ओ ओ ओ ओ, तुरंत स्विच करो ओ ओ ओ ओ, और ओ को और स्पष्ट करने के लिए क्या बताया था, नाक को सिकोड़ो, अपने आप वो सफाई आ गई, स्पष्टता जो क्लैरिटी हमें चाहिए, है ना। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला तो अ को सुधारना होगा, है ना। हमारा अ जो है अभी थोड़ा सा कम आ रहा है और वो अ कम सुनाई दे रहा है, ए ज्यादा सुनाई दे रहा है। आप बेसिकली कहां से हैं इंडिया में, कौन से प्रांत से हैं, क्योंकि आपकी भाषा में वो प्रांत नजर आ रहा है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका असर हमारे आ जाता है बोलचाल में, हमारे डिक्शन पर आता है, है ना। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो है सो है, लेकिन उसे सुधारना एज अ सिंगर हमारे लिए जरूरी है। क्यों? वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी किसे कहते हैं, वर्सेटाइल ये जो शब्द होता है, तो म्यूजिक में अगर वर्सेटाइल बोला है इसका मतलब अलग अलग एक्सेंट से अलग अलग जॉनर के गाने आप गा पाएं, अलग अलग प्रकार के गाने। आपको गजल गाने को बोला जाए आप वो भी गा सकें, गीत गाने को बोला जाए वो भी गा सकें, ठुमरी भी या देशभक्ति गीत, हर प्रकार का जॉनर आप गा सकें और हर भाषा को आप अपना सकें। और हर भाषा अपनाने के लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। अगर मेरी भाषा बहुत ज़्यादा शुद्ध भी है ना तो भी दिक्कत है, जैसे मैंने ये आपको बोला ना कि प्योर होनी चाहिए भाषा, वो भी अपने आप में एक ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि अब मुझे अगर बोला जाए कि कोई रीजनल गाना मुझे गाना है उत्तर प्रदेश का, है ना, या तुलसीदास की मुझे चौपाइयाँ गानी हैं, तो मुझे वो एक्सेंट लाने में थोड़ा सा बनावटी पड़ेगा, क्योंकि मेरा है तो है नहीं, मुझे सुनना पड़ेगा। अब जैसे हम हैं, हम अंग्रेजी गाने अगर गाते हैं तो एक्सेंट बना के गाना पड़ता है, हमारा एक्सेंट है थोड़ी, इंडियन एक्सेंट में गाएंगे तो वो लगेगा नहीं इंग्लिश सॉन्ग है। हमें गाना अगर शॉन मेंडिस का है तो शॉन मेंडिस का एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा, है, या एड शीरन का है तो वो अंग्रेजी वो वाला, अमेरिकन एक्सेंट लाओ या ब्रिटिश एक्सेंट लाओ, तो एक्सेंट भी आना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होना पड़ता है, रॉ। अगर आप रॉ हैं, नेचुरल हैं, न्यूट्रल हैं, तो ही उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले भाषा को शुद्ध कर दो। तो शुद्धता में थोड़ी बहुत रॉनेस है, नेचुरल है। अब मैं चाहूँ तो मैं कोई उत्तर प्रदेश का एक्सेंट भी पकड़ सकता हूँ, और पंजाबी अगर मुझे गाना है ना, तो वो भी मैं पकड़ के गा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको उस दिन पंजाबी ही सुनाया था वो, है ना, जो मैनू तेरा शबाब ले बैठा, है ना, तो उसमें वो ले बैठा होता है, वो ले बैठा नहीं होता, वो ले बोलते हैं उसको, जबकि वो शुद्ध अगर बोलोगे तो ले है ना। तो अच्छा होंदा, चंगा होंदा, अब जबकि चंगा होता ये शुद्धता है, लेकिन वहां अशुद्धता क्या है, होंदा, चंगा होंदा, है ना, और जी चंगा होंदा, ये पंजाबी एक्सेंट है। तो अब ये भाषा मैं कैसे अपना पाऊंगा, ये एक्सेंट मैं कैसे अपना पाऊंगा जब मैं रॉ होऊंगा। अगर मेरी भाषा में ऑलरेडी किसी भाषा की क्या बोलते हैं छाया है या दखल है तो मुश्किल पड़ेगा, तो उसको रॉ करना होगा। इसीलिए हम शास्त्रीय संगीत में बारह खड़ी का रियाज करते हैं या ये वॉवल्स का रियाज कर रहे हैं। ये क्या है, आपकी भाषा को रॉ बना रहे हैं। आप ये पांच अक्षर बोलते हैं, ये वॉवल्स हैं, ये हर भाषा में इस्तेमाल होते हैं, ए ई आई ओ यू वहां भी है, अ उ ओ औम यहां भी है ना, वही वॉवल्स हैं, वही किसी भी भाषा में चले जाओ वॉवल्स होना जरूरी है, वरना वर्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अ करना है उसे, ए नहीं हो वो, आपका अ की जगह ए आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो राजस्थानी का टच है जबान पर, है ना। जब जैसे ही आपने बोला तो वो आया
यानी जैसे ही आपने अ का मुंह कम खोला तो वो साउंड कर रहा है। हाँ अभी थोड़ा सुधरा लेकिन अ बड़ा करो, मुंह थोड़ा खोलो। हाँ अब जैसे ही आप मुंह बड़ा खोलते हैं वो अ की बनिस्बत ए हो जाता है। हाँ ये जैसे ही स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा ना तो दिक्कत है, इसे स्ट्रेच मत होने दो, ये यूं खुलना चाहिए, यूं नहीं। देखिए मैं आपको अभी करके बताता हूँ। वॉवल का सबसे खास चीज़ यही है कि उसमें और किसी पार्ट का इस्तेमाल ही नहीं है, सिर्फ मुंह है ना। और मुंह के अंदर का ऐसा भी नहीं कि जीभ का इस्तेमाल है, दांतों का इस्तेमाल है, जैसे ये उच्चारण स्थान होते हैं ना कि दंत से निकल रहा है कि पैलेट से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है ना, कहाँ से निकल रहा है वो साउंड, उच्चारण स्थान जिसे हम कहते हैं। तो अ अब देखिए कितने प्रकार में बदल सकता है। अ सेम साउंड है, एक ही साउंड निकाल रहा हूं, होंठों को बदलकर वो साउंड बदल रहा है। तो अगर आपको अपने ए को अ बनाना है तो इसको होंठों के आकार को सुधार लीजिए। ए कैसे निकलेगा, यानी लंबा मुंह है। अब इसे सबसे पहले तो यहां की जो लंबाई है वो कम करी है ना। जैसे ही ये देखिए दांतों के बीच की स्पेस कम हुई तो वो अ की बजाय ए बन गया है कि नहीं। तो अगर उसे अ बनाना है तो दांतों की स्पेस बढ़ाइए, मुंह को थोड़ा सा लंबा खोलिए, लंबाई में रहेगा तो अ बना रहेगा, ऐसे चौड़ाई में खुलेगा तो ए निकलेगा। ठीक है कोशिश कीजिए। अ अ नहीं गाना मत, गाइए मत, एक बार सिर्फ बोलिए अ अ आ। हाँ ये क्या होता है आपने सुना हो कि नहीं सुना हो, पर अक्सर लोग कहते हैं कि मुंह इतना खुलना चाहिए, चार अंगुल जब रियाज करते हैं तो इतना आ, जबकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरली इतना मुंह खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वैसे तो वॉलंटियर मसल है, जितना चाहो उतना खोल लो, इतना मैं फाड़ सकता हूँ मुंह को, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है और न ही गाने के लिए सूटेबल है ना। तो ऐसा भी नहीं कि ये चार उंगल आ इतना आप गा नहीं पाओगे, मसल्स पेन करेंगी और अनकंफर्टेबल होकर आपसे गाना नहीं गाया जा सकता। जब तक कंफर्ट नहीं है तब तक सिंगिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो कंफर्ट भी रखना है तो अननेसेसरी भी मुंह नहीं खोलना है और कम भी नहीं खोलना है ना। जैसे ही अगर इसको अ को अगर बड़े ज्यादा बड़े मुंह से खोलोगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। जो लोग करते हैं ना कि भाई क्या करना है, ये उंगलियां घुसा के रियाज करो या मुंह में तीली रख के रियाज करो, ये उलझुल हरकतें भी लोग करते हैं और सलाह भी देते हैं कि एक तीली ले लो यहाँ फंसा लो आ, तो इससे क्या होगा, परमानेंट बड़ा मुंह खुला रहेगा और साहब बोलते अरे वो तीली अंदर चली गई तो हालतें खराब हो जाएंगी है ना, वो नहीं सोचते हैं लोग। या ये उंगली यहाँ फाड़ के रखोगे तो यहाँ पेन हो जाएंगी, मसल्स स्ट्रेच होंगी, इनफैक्ट इंटरनल मसल्स पे स्ट्रेन पड़ सकता है आपकी है ना। लोगों के अजीबो गरीब होते हैं काम कि मटकी लो मटकी में मुंह दे के रियाज करो, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि सा लगाओ मटकी में मुंह दे के, इससे क्या होगा गूंजेगा सुर तो आपको अच्छा लगेगा, मट्टी जो अंदर घुसेगी उसका क्या होगा वो कोई नहीं बताता है कि कितनी ही साफ मटकी हो उसमें सुर धूल होती ही होती है, इतने कण वो बनी ही मिट्टी से है ना, क्योंकि तो वो अंदर नहीं चली जाएगी। और ये बहुत फेमस मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो लोग देते हैं कि इस तरह से रियाज कीजिए है ना। आप बड़े बड़े कलाकारों से भी मिलेंगे ना, आधे ऊपर कलाकार वो भी ऐसे अजीब व गरीब आपको सॉल्यूशन देंगे कि ऐसे रियाज करो, अरे भाई नेचुरली खुद से भी तो खोल ही सकते हो ना है ना, है कि नहीं। ये वॉलंटियर है मसल, ऐसा तो नहीं कि दिल की धड़कन रोकने को कह रहा हूँ मैं, नहीं, या खून का भाव रोकने को कह रहा हूं, नहीं, सिर्फ मुंह को कम ज्यादा ही करने को कह रहा हूं, अभी कर सकते हैं है ना। तो क्या था ए, ए ऐसा था ए, ऐसा करना है, कोशिश कीजिए, मुंह और खोलिए थोड़ा सा, चौड़ाई और जाने दीजिए। हाँ आ रहा थोड़ा फर्क पड़ा है। एक और दिक्कत बताता हूँ मैं, मैंने ये अक्सर नोट करी है रीजनल लैंग्वेज में कि हम जैसे गाते हैं ना कि हम कहेंगे अगर राम तो राम ये अ पे ख़त्म हो रहा है, राम
लेकिन राजस्थान में अगर ऐसे गीत गाए हैं जिसमें अगर अ का साउंड है तो वो अ के बनिस्बत ई आ जाता है वहां पे, है ना। जैसे राम रतन धन पायो, तो वो जो भजन है मीरा का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो अगर हम गाएंगे तो ऐसे गाएंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन मैंने राजस्थान में अक्सर लोगों को गाते हुए सुना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा अपने आप जुड़ रही है उसमें, राम रतनी धनी पायो, तो वो जानबूझ के नहीं जोड़ रहे हैं, वो एक्चुअली में उनका अ जो है वो ई जैसा साउंड करता है, है ना। क्यों? क्योंकि वो मुंह कम खोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कल्चर। ये आप टॉपिक लिख लीजिए, इसे कहते हैं वॉइस कल्चर, यानी आपके गले का संस्कृतिकरण। ओह भारी शब्द बोल दिया मैंने एकदम अंग्रेजी में इसे। ये हमारे सर ने, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर ने हमें ये शब्द दिया था कि उन्होंने बोले कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश सिखा नहीं रहा हूँ मैं। तो क्योंकि हमारा तो काफ़ी एकदम उनसे अच्छा रिश्ता था, और जस्ट ऐसा नहीं कि टीचर स्टूडेंट का जो नॉर्मल प्रोफेसर और वो वाला रिश्ता, नहीं, हम पिता समान है हमारे लिए वो, है ना। तो प्रॉपर वैसी परवरिश जैसी एक पिता अपने बच्चों की करेगा, वैसे ही वो, हम चार पांच ही स्टूडेंट्स थे उनके बैच में, तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार था उनका। तो बोले कि तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सिखा नहीं रहा हूँ, तुम्हारा मैं अकल्चरेशन कर रहा हूँ। तो हमने कहा ये क्या भारी सा शब्द बोल दिया आपने, अकल्चरेशन सर, ये क्या होता है? तो बोले इसे हिंदी में कहेंगे सांस्कृतिकरण, कि तुम्हारे अंदर कल्चर डाल रहा हूँ, संस्कृति दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे को संस्कार दे रहा हूँ मैं, तो इसे कहते हैं अकल्चरेशन। तो वॉइस कल्चर, कल्चर करना यानी कल्टीवेट करना, कल्चर बना है कल्टीवेट से, है ना, कि उसकी निराई गुड़ाई वो भी मुझे ही करनी है, उसका बीज मुझे ही लगाना है, उसको पानी कब देना है, कब धूप देनी है, वो भी मुझे ही देखना है। तो कल्टीवेट उसे अगर मैं कर रहा हूँ आपके गले को, तो इसे कहेंगे वॉइस कल्चर, कि आप उसे कल्चरल लगा रहे हो, कि आपकी भाषा को सुधारना, आपके सुर का लगाव, जिसे कहते हैं ना सुर का लगाना, वो आना चाहिए कि सुर लगाया कैसे है। सुर आप लगा ही शब्दों के माध्यम से रहे हो, है कि नहीं। अ उ ओ औ, ये क्या है? ये अक्षर है, इन्हीं के जरिए सारे गम प ध नि, ये क्या है? अक्षर है। तो अक्षर अगर बोलना सही नहीं आया तो कैसे सुर लगाना सही आएगा, मुझे ये बताओ, मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए वॉइस कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, कि आप मुंह कितना खुलेगा, कितना प्रोजेक्ट होगा, और कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डिक्शन, आपका प्रोनंसिएशन, ये सारी चीज़ें वॉइस कल्चर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो एक बार करके देखिए, अ फिर से बोलिए, अ मुंह खोलने की आदत, हमेशा ध्यान रखना है, सजग रहना है कि मुंह बड़ा खोलना है। अ हाँ, देखिए मैंने ये चीज मैंने पहले भी कहा है कि रियाज करते समय आपको अपने सौंदर्य का ख्याल नहीं रखना है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसा नहीं दिख रहा हूँ। रियाज एकांत की चीज़ है, सॉलिट्यूड की चीज़ है। एकांत में जब आप अकेले में बैठ के रियाज करते हैं तो वहाँ अजीबो गरीब एक्सरसाइज आपको करनी है। मैंने बताया ना, स्क्वाट्स जब हम लगाते हैं तो कोई अच्छे थोड़ी दिख रहे होते हैं कि यार ये कहाँ नीचे बैठ के वापस उठना, यार कैसा दिख रहा हूँ मैं, ऐसे आसपास देखो भाई। स्क्वाट्स का मतलब शारीरिक आपकी जंघाएं, आपकी थाई मसल्स जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए आप उधर नहीं देखोगे कि मेरा सौंदर्य कैसा है, मैं दिख कैसा रहा हूँ, शेप कैसा हो रहा है मेरा, नहीं। वो उससे जब बॉडी मजबूत बनेगी ना, वो स्ट्रेंथ वो सौंदर्य पर भारी पड़ेगी, है ना। तो रियाज करते समय मुंह कैसा भी बन रहा हो उस पर मत गौर कीजिए, कि अगर मुंह बड़ा खोलना पड़ रहा है या अजीबो गरीब शक्ल नजर आ रही है, शक्ल पर नहीं जाना उसकी, है ना, आकार प्रॉपर होना चाहिए। आ आ और अ, अ आ अ आ, बोलिए दोनों को एक एक करके। अब ये आप जब अ बोल रहे हैं तो आपको ए सुनाई नहीं दे रहा, ए आ ए आ ए आ, और एक है अ आ, इसमें जबान का भी असर है, ए ए, ये देखिए मेरी जबान ए बोलता हूं तो कहाँ जाती है, ए हल्की सी ऊपर उठती है, हल्की सी ऊपर उठती है। आप ऑब्जर्व करें, जब आप भी ए बोलेंगे तो जबान ऊपर उठेगी, लेकिन अ बोलेंगे तो जबान नीचे है,
कोशिश कीजिए उसको नीचे रख के बोलने की। मुंह थोड़ा सा चौड़ा कीजिए, खोलिए उसको, यहां से कम कीजिए, ये जितना इधर रहेगा वो ए बना रहेगा। हाँ, उस अभी भी उसमें ए का टच है। अब गाएंगे ना तो वो वही आएगा। वो अक्सर लोग गाते हैं सारे गम पद धनी सा, तो ऐसे गाते हैं सारे ग, ये साउथ इंडियंस को आपने सुना होगा, वो ऐसे गाते हैं सा, है ना, वो सा नहीं बोल पाते सा। आप हरिहरन साहब को सुनिए, हरिहरन साहब बहुत उम्दा कलाकार हैं, लेकिन आज भी वो सारे गम गाते हैं ना तो मुश्किल आ जाती है उनको कि सारे गम पैदा नहीं सा, ऐसे गाते उनका मुंह क्योंकि ऐसे खुलता है। ये डिक्शन है, ये हमें सुधारना होगा क्योंकि हम इंडियन क्लासिकल गा रहे हैं, है ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत है तो भारतीय जुबान उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सारे गम सारे सा नहीं होना चाहिए, वो सा ना सै, इसमें ए मिला हुआ है, ए नहीं मिलना चाहिए। कोशिश कीजिए फिर से सुधारिए उसको। अ अ हाँ आया आया सही आ रहा है। हाँ अब इसी को लाउ इसी को बड़ा कीजिए। अ जाते जाते जाएगी ये, आज एक ही दिन में नहीं चली जाएगी क्योंकि जो राजस्थानी है वो तो जमान पे पुरानी बैठी हुई है ना, है ना। एक शेर लिखी है दाग दहलवी का, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते आते, कि ये जबान कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, आते आते आएगी, एक ही दिन में नहीं आ जाएगी और एक हफ्ते में भी नहीं आएगी, है ना, वक्त लगेगा, धीमे धीमे आप में सुधार होगा। कोई भी जबान आप सीखते हैं तो एक ही दिन में उसका प्रोनंसिएशन पकड़ पाना वो मुश्किल है। भाषा में वर्ड्स होते हैं और साथ ही साथ साउंड्स भी होते हैं। धृति आपने फोनेटिक्स पढ़े हैं, फोनेटिक्स ये चीज होती है भाषा में, फोनेटिक्स होते हैं यानी उनमें साउंड्स होते हैं अलग अलग, हैं जी, प्रोनंसिएशन के लिए। हाँ, कि प्रोनंसिएशन कैसे होगा, कि डॉक्टर कि उसमें डॉक्टर ही क्यों बोलते हैं, मतलब जी ओ गो है और टी ओ टू है तो इसका क्या रीजन है, उसका रीजन आपको फोनेटिक्स में मिलता है, है ना, कि वो ओ और ए उसका क्या साउंड है, कहाँ से कौन सा साउंड निकल रहा है और वो किस वजह से निकलता है, है ना, डायलेक्ट्स कैसे बनती हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे हम जब डिक्शनरी उठाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो वर्ड के आगे कुछ अजीब गरीब सिंबल्स भी बने होते हैं, हमें लग रहा है एलियन लैंग्वेज है, वो एलियन लैंग्वेज नहीं है, फोनेटिक्स है वो, है ना, कि फोनेटिक्स में उस वर्ड का प्रोनंसिएशन कैसे होगा, तो फोनेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फोनेटिक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी के फोनेटिक्स है कि अ नहीं बोलना है, ए नहीं बोलना है, अ बोलना है, है ना, ये ज़रूरी है, वरना तो हम डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं देसी भाषा में, डॉक्टर, है ना, अस्पताल हम बोलते हैं, तो इंजीनियर इंजीनियर नहीं बोलते, इंजीनियर बोलते हैं, है ना, ये हमारे प्रोनंसिएशन हैं, तो वो गलत हैं, डायलेक्ट्स को हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो अ उ ओ ओ म क्या आती है उर्दू जबां, आते आते धीमे धीमे आएगी। तो ये तो वो पहली चीज़ थी जो मुझे आप में करेक्ट करनी थी।